सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और सबसे पहले आप चिकन देखिए, एकदम सॉफ्ट और जूसी चिकन बनाया और चिकन अंदर तक अच्छी तरह से कुक भी हो चुका है। और इसके साथ में हम बनाएंगे मिंट चटनी, जिसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 800 ग्राम का चिकन लिया है। ज्यादा बड़े चिकन का आपने यूज नहीं करना है, क्योंकि उसको पकने के लिए ज्यादा टाइम लगता है और केवल वो हार्ड हो जाता है खाने में। तो 800 से 900 ग्राम का चिकन आपने यूज करना है और इसके बाहर से जितने भी व्हाइट फैट होंगे ना, वो सारे के सारे आपने निकाल देने हैं। और इसके बाद आपने चिकन में कट लगाने हैं। कट क्यों लगाते हैं? कट लगाने से चिकन जल्दी पकता है और चिकन के अंदर तक अच्छा नमक मिर्ची का टेस्ट जाता है। तो 4 से 5 कट आप ब्रेस्ट में लगा दीजिए। और इसके साथ में थाई में आपने देखिए 3 से 4 कट लगाने इस तरह से, और कट आपने अच्छे गहरे लगाने हैं। एक कट आपने लेग में लगा देना, ये देखिए इस तरह से, और लेग का ऊपरी हिस्सा होता है ना, एक कट आपने उसमें लगाना है। और एक एक कट आपने ना ब्रेस्ट के ऊपर जहां विंग्स होते हैं वहां भी लगाना है। वहां से चिकन के बार ना कच्चा रह जाता है, तो ये कट आपने जरूर लगाना है। इसके बाद एक बाउल में आप पानी भर लीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और 1 चम्मच आप इसमें विनेगर ऐड कर दीजिए। आप विनेगर की जगह लेमन जूस का यूज कर सकते हैं। नमक को अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब ये पानी क्यों बना रहे हैं हम यहाँ पे? पानी में आपने ना चिकन को कम से कम 8 से 10 मिनट तक रखना है। इससे क्या होगा? इससे चिकन के अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो निकल जाता है, और दूसरा नमक का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से चला जाता है। तो कम से कम 8 से 10 मिनट तक आप इसी तरह से विनेगर और नमक वाले पानी में छोड़ दीजिए इसको। और इसके बाद आपने क्या करना है, कम से कम 10 मिनट के बाद इसको निकाल लीजिए। अभी देखिए पानी का कलर भी चेंज हो चुका है और हमारा जो चिकन है ना अच्छी तरह से साफ भी हो चुका है। पानी आपने इसका निकलने देना है। 1 से 2 मिनट तक इसको छन्नी में रख दीजिए ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। जैसे चिकन में से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, फिर आपने चिकन को एक बाउल में डाल देना है और इसकी आपने फर्स्ट मैरिनेशन करनी है। 1/2 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। तो ओके, देखिए नमक को आपने इस तरह से बिखेर के डालना है ताकि सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से नमक फैल जाए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ में आपने थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है। तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज किया है। ये चिकन है थोड़ा सा स्पाइसी खाने में ही अच्छा लगता है। थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए यहाँ पे मैंने, और थोड़ी सी हम इसमें कूटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और इसके साथ में आपने थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ना है। तो लगभग आपने 1 छोटा चम्मच नींबू का रस ऐड करना है इसमें। नींबू का रस जो है चिकन को सॉफ्ट और जूसी बनाने में हेल्प करता है। और अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर लीजिए। अब इस मैरिनेशन के अंदर आपने चिकन को कम से कम 1/2 घंटे तक छोड़ देना है। जितना ज्यादा टाइम आप मैरिनेशन में रखेंगे उतना ही अच्छा चिकन के अंदर तक टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं, आपके पास टाइम है, 2 घंटे तक भी इसको छोड़ सकते हैं मैरिनेशन में। अब हम इसको स्टीम करेंगे। 1 कढ़ाई में पानी को बॉइल कर लेना है। थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, जो भी आपके पास मसाले हो वो आप इसमें डाल दीजिए। मसालों के साथ इसको स्टीम करेंगे ना, अच्छा फ्लेवर आएगा मसालों का। इसके बाद पानी के ऊपर एक जाली रख देते हैं। जाली ना हो आप कटोरी रखिए, कटोरी के ऊपर आप प्लेट रख के चिकन को स्टीम कर सकते हैं। और इस जाली के ऊपर देखिए इस तरह से आपने चिकन को रख देना है और इसके बाद ऊपर से इसको अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। आप चाहें इसको सिल्वर फॉइल से भी कवर कर सकते हैं। कितनी देर आपने इसको स्टीम करना है? कम से कम 20 मिनट तक आपने इसको स्टीम करना है मीडियम फ्लेम में। और क्या देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन जो है 70% तक लगभग यहीं पर पक चुका है। अब इसके बाद इसको ना थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, जैसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसके बाद आपने चिकन को कढ़ाई में से निकाल लेना है और निकालने के बाद चिकन को अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए। तो जब तक चिकन ठंडा हो रहा है तब तक आपने चटनी बना लेनी है। यहाँ मैंने देखिए ग्राइंडर जार लिया है, 200 ग्राम उसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। तो धनिया पुदीने की जो चटनी है ना बहुत ही ज़बरदस्त बना के दिखाऊंगा। आपने इसमें 50 ग्राम पुदीना ऐड करना है और इसके साथ में थोड़ा सा अदरक डालना है। साथ में 15 से 20 लहसुन की कलियाँ डाल दीजिए, मैंने बिना छीले हुए डाल दिए हैं, आप छील के डाल सकते हैं। और इसके साथ में आपने 1/2 चम्मच नमक ऐड करना है, थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी, 1 चम्मच आपने भर के चाट मसाला पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने भुना हुआ जीरा पाउडर डालना है। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, काला नमक, और चटनी को तीखा करने के लिए आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। तो 2 ही मैंने मिर्ची डाली है, ज़्यादा ही स्पाइसी चटनी खाना पसंद करते हैं आप 2 की या 3 या 4 भी डाल सकते हैं मिर्ची। साथ में आपने इसमें 100 ग्राम दही ऐड करनी है और 1 छोटा चम्मच भर के काला नमक मैंने और ऐड कर दिया है। ब्लैक सॉल्ट से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है चटनी में। अच्छी तरह से इसको पीस लीजिए, पानी डालना है, दही के साथ ही ग्राइंड करना है। और के देखिए
कलर देखिए क्या जबरदस्त कलर निकला है चटनी में। तो इस तरह से आप 5 मिनट में देखिए धनिया पुदीने की चटनी बना के तैयार कर सकते हैं। लास्ट में अपने चटनी के ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करना है, क्योंकि मैंने चटनी को बनाने के लिए फ्रेश दही का यूज किया था, तो चटनी में जो खट्टा टेस्ट था ना वो कम आ रहा था, तब मैंने इसमें नींबू का रस ऐड किया है। अब हम सेकंड मैरिनेशन बनाएंगे चिकन की। बड़ा सा बाउल लेना है, 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें बेसन ऐड करना है, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर नहीं है, आप चावलों का आटा डाल सकते हैं। अच्छा क्रंच के लिए 1/2 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा चिकन के बाहर से। 1 चम्मच आप इसमें कूटा हुआ साबुत धनिया डाल दीजिए, या फिर साबुत धनिया को आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, देखिए इस तरह से। और थोड़ा सा आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है, जीरे को आप कूट के भी डाल सकते हैं यहाँ पे। थोड़ी सी आप इसमें अजवाइन ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे और बेसन का भी यूज़ किया तो डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। और थोड़ी सी आपने इसमें क्रश की कसूरी मेथी ऐड करनी है, और 1/2 चम्मच आपने इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है। इसके साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और ऐड करेंगे, थोड़ा पेस्ट हमने पहले चिकन को मैरिनेशन में भी डाला था। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। इसके साथ में आपने इसमें एग ऐड करना है, तो एग से ना अच्छी कोटिंग आएगी चिकन के बाहर से, जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो उसकी कोटिंग जो निकलती नहीं है, तो एक मैंने यहाँ पे एग का यूज़ कर दिया है। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो पानी आपने थोड़ा ही डालना है, क्योंकि जो बैटर रहेगा थिक बैटर आपने बना के तैयार करना है चिकन को फ्राई करने के लिए, पतला नहीं होना चाहिए। पतला बैटर बनाएंगे, चिकन के बाहर से पूरी कोटिंग निकल जाती है। ये देखिए इस तरह से आपने 2 मिनट में बैटर बना के तैयार कर लेना है। इसके अंदर जो स्टीम किया हुआ चिकन था थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसके बाद हम इसके बाहर से थोड़ी थोड़ी ये कोटिंग कर देंगे। हल्की हल्की आपने इसके बाहर से मैरिनेशन लगानी है, ज्यादा मोटी परत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे अगर ज्यादा मोटी परत आ जाएगी फ्राई करते टाइम उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको मैरिनेट कर लीजिए फिर से, और छोड़ना चाहे 5 से 10 मिनट तक इसी मैरिनेशन में छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद हम चिकन को फ्राई करेंगे, तो ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है। ये देखिए ऑयल थोड़ा सा यहाँ पे गर्म हो चुका है, इसके बाद हम साबुत चिकन ही इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे चिकन को अगर साबुत नहीं फ्राई कर सकते हैं तो इसके छोटे छोटे पीसेस स्टीम करके फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से चिकन को डाल दीजिए, और चिकन के जो ऊपर थोड़ा सा अगर पार्ट बच जाता है तो इसके ऊपर आपने लैडर की सहायता से गरम गरम तेल डाल देना है। इससे क्या होगा, जितनी भी कोटिंग है अच्छी तरह से चिकन के ऊपर आ जाएगी, और जब हम इसको पलटी करेंगे तो इसकी कोटिंग ना निकलेगी नहीं। ये देखिए एक साइड से चिकन जो अच्छी तरह से पक चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसके बाद हम इसको पलटी करेंगे। बट जब आप इसको दूसरी साइड को पलटी करेंगे ना, तो ब्रेस्ट वाली साइड आपने नीचे को नहीं रखनी है, क्योंकि कढ़ाई नीचे से गर्म होती है तो ब्रेस्ट वाली साइड जो जल सकती है। तो आप इसको ना टेढ़ा करके रखिए, देखिए इस तरह से, जैसे इस साइड से भी पक जाए फिर आपने वैसे ही दूसरी साइड से पका लेना है। जो विंग्स हैं उसके ऊपर कढ़ाई की अगर हीट लगती है ना, तो वो इतनी जल्दी जलते नहीं है। ये देखिए अच्छा कलर आने तक आपने 8 से 10 मिनट चिकन को फ्राई कर लेना है। वैसे चिकन हमारा स्टीम करके पक ही चुका था, हमने सिर्फ इसको अच्छा कलर देना है और अच्छा इसको क्रंच देना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं चिकन को यहाँ पे मैंने 10 मिनट तक फ्राई किया है, अच्छी तरह से चिकन के बाहर से कलर आ चुका है। गर्मा गर्म आप इसको चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक।